हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम 5.2 एक्सरसाइज प्लस टू क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, ठीक है, तो 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने लास्ट वीडियो में क्या किया था, साइन को ड्राइव किया था विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, जिसमें हमने राइट हैंड डेरिवेशन यूज किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड डेरिवेशन को यूज करके जा ये कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूले को यूज करके आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं इस वीडियो में किसी भी टी रेशो को अपने ड्राइव नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं उसकी, ठीक है। तो फिर भी आप लोग इन्हें कर सकते हैं, और कोई भी कहीं से प्रॉब्लम लगे तो मुझे बोल सकते हैं, वो यहां पर बोर्ड पे हाईलाइट कर दिया जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा, इस तरह मैंने साइन को ड्राइव किया है, आगे थोड़ा जो मुश्किल पड़ सकती है कहीं पर आपको सीकेंट में या कोसेकेंट में, उसे ड्राइव करूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर जस्ट आपने इनकी एप्लीकेशन करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स। ओके, डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स। सेकेंड हमारे पास होता है डेरिवेशन ऑफ कोस एक्स, यस, डेरिवेशन कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेरिवेशन ऑफ टेन एक्स, हाँ जी, क्या होता है ये, सीकेंट स्केयर एक्स। फोर्थ हमारे पास क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ कोट एक्स, हाँ जी, क्या होता है ये डेरिवेशन ऑफ कोट एक्स, ये बनेगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, फिफ्थ हमारे पास क्या है, डेरिवेशन ऑफ सीकेंट एक्स, हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ सीकेंट एक्स होगा सीकेंट एक्स इनटू टेन एक्स। सिक्स्थ हमारे पास क्या बनेगा, डेरिवेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स, यू कैन से आल्सो कोसेक, राइट, तो ये बनेगा माइनस कोसेकेंट एक्स इनटू कोट एक्स, ठीक है। तो इसी के साथ थोड़ा और भी राइट कर लो, डेरिवेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, हाँ जी, करो इसे ड्राइव, क्या करेंगे, क्या बनेगा इसका डेरिवेशन, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। एक्स रेस टू एन मोस्ट इंपोर्टेंट, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूं कम से कम 50% सम्स में, ठीक है, एक्स रेस टू एन अप्लाई होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, बीच में स्टार्टिंग में, ठीक है, एक्स रेस टू एन अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेरिवेशन ऑफ, कई बार डायरेक्ट आ जाता है ए एक्स प्लस बी रेस टू एन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू एन माइनस वन, और ए एक्स प्लस बी का ए होता है, तो मतलब ऑल ओवर ये बन गया ए एन, ठीक है, क्या बन गया ये, ए इंटू एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू एन माइनस वन। ओके, एक और भी राइट कर लो, रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, वन बाय टू रूट एक्स, ये बहुत बार आता है, ठीक है, तो हर बार हम ये नहीं करेंगे कि एक्स की पावर वन बाय टू है, ठीक है, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर कहीं भी रूट एक्स आता है तो डायरेक्ट उसका डेरिवेशन वन बाय टू रूट एक्स हो जाएगा। ओके, एक और भी कई बार आता है, ओनली एक्स, इसका डेरिवेशन वन होता है, कोई भी कांस्टेंट जो अकेला हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट जो अकेला हो, साथ में कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो नहीं, अगर अकेला कांस्टेंट हो उसका डेरिवेशन जीरो होगा, ठीक है। तो रूट एक्स का डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, एक्स रेस टू एन को अप्लाई करके, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स का डेरिवेशन, इसकी पावर वन है, एक्स रेस टू एन को अप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन जीरो होता है, इसे भी अगर करना है तो यही फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो सी इंटू एक्स रेस टू जीरो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यस्ट हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे यहां पर, ठीक है, इनमें से जो मेन है, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में सारे ही ड्राइव कर दूं, ठीक है, तो फिलहाल इन्हें आपने याद करना है, ये प्लस वन में भी थे, ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी प्लस टू क्लास के लिए, हाँ प्लस वन स्टूडेंट्स के लिए जरूर मुश्किल पड़ेगी, उनके लिए मैं इन्हें ड्राइव भी करवाऊंगा और इन्हें लर्न भी करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए
5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या करेंगे स्टार्टिंग में, लेट वाई इक्वल टू वाई कर लो या एफ एक्स कर लो, वाई दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स ही होता है, तो कुछ मर्जी कर सकते हैं दोनों में से। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहां पर राइट करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, हाँ जी। तो यहां पर क्या बनाएंगे, डी वाई बाय डी एक्स चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जो हमारे पास वाई में डिफरेंसेस है वाई कोऑर्डिनेट में, वाई में एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंसेस, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ जी, क्या बनेगा, पहले ये देखो ये क्या है, साइन है, यहां पर देखो साइन का डेरिवेशन होता है कोस एक्स, ठीक है। तो साइन का डेरिवेशन क्या बना, कोस एक्स, ठीक है, लेकिन वहां पर कोस एक्स है, लेकिन यहां पर एंगल चेंज है, क्या एंगल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपने, लेकिन यहां पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 था ना, सुन लो ध्यान से, यहां पर ये चैन रूल बन गया जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये कौन सा रूल बन गया, चैन रूल, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर तो यहां पर ओनली एक्स है तो ओके है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, ये रहा एक्स का डेरिवेशन 1 होता है, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। बट यहां पर एक्स ना होकर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक और फंक्शन है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन हुआ, ये टी रेशो हो गया और ये अलग से एक्स स्क्वायर प्लस 5 पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, दो फंक्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, मतलब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है हमारे पास यहां पर। तो क्या करेंगे, साइन का पहले आपने कोस निकाल दिया डेरिवेशन, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेशन अलग से आएगा, ठीक है, इनटू में डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोस वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेम आ जाएगा, हाँ जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, ये रहा फार्मूला, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन निकालने के लिए एक्स की पावर 2 है ना, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पहले एन आएगा 2 आ जाएगा, फिर एक्स की पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हुआ, 1 हुआ, तो क्या आ गया, ये 2x आ गया, ठीक है। और ये 5 था, 5 कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट अकेला हो तो क्या आएगा, उसका डेरिवेशन 0 होता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 2x। अब ये ध्यान रखना कहीं ऐसे ना हो कि x स्क्वायर प्लस 5 जो एंगल है हमारे पास, कहीं इनकी मल्टीप्लाई कर दो ना, ये जो है, ठीक है, ये cos का एंगल है, तो मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई नहीं है, इसे ऐसे राइट किया जाएगा 2x into cos x square plus 5, ठीक है, इस तरह से राइट करेंगे, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये चैन रूल की मैं बात कर रहा था बीच में, चैन रूल, ओके, इसमें आपने ये ध्यान रखना PTA बहुत बार अप्लाई होता है, PTA क्या मीनिंग है इसका, पावर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ए मींस एंगल, मतलब क्या है, कोई भी इस टाइप का सम आता है टी रेशियो से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, पहले आप उसकी पावर चेक करो, अगर पावर है तो पहले आपके पास जो फार्मूला है ना एक्स रेस टू एन, ये वाला अप्लाई होगा फार्मूला, 7th फार्मूला है ना, ध्यान से देखो, 7th फार्मूला अप्लाई करेंगे अगर पावर है तो। यहां साइन की पावर क्या थी, साइन की पावर 1 थी, अगर पावर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, यानी कि पावर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा स्टार्टिंग में, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर चेक करो टी, टी मींस टी रेशियो, टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या नहीं है, मतलब साइन कोस टैन कोट सीकेंट कोसिकेंट में से अगर कोई यहां पर है, ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, साइन का डेरिवेशन कोस एक्स, कोस का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स, टैन का डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का डेरिवेशन सीकेंट इंटू टैन एक्स, और कोसिकेंट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट इंटू कोट एक्स, ओके। फिर आती है बारी PTA, ए मतलब एंगल, फिर ये एंगल इस तरह यहां पर है ना, एंगल देखो ध्यान से, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर एंगल है तो फिर एंगल का डेरिवेशन आएगा, और एंगल का डेरिवेशन निकालने के लिए इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है,
हो सकता है एंगल साइन कोस टैन कोट सीकन कोसिकट की फॉर्म में हो, या फिर एक्स रेस टू एन जैसा कि यहां पर था इसकी फॉर्म में हो, या फिर ये कॉन्स्टेंट की फॉर्म में यहां बीच में आया था प्लस में, ठीक है। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, तो लेकिन ये प्रोसेस का आपने ध्यान रखना है चैन रूल में, ठीक है। चैन रूल में क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन होती है, कंपोजिट फंक्शन आते हैं, मतलब दो या तीन या चार फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पी टी ए पहले पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये रहा एक्स रेस टू एन पावर वाला, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला अगर है तो ये वाला, और फिर उसका एंगल, ठीक है। तीनों का बारी बारी से डेरिवेशन करेंगे और तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। पावर का डेरिवेशन मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेशन मल्टीप्लाई एंगल का डेरिवेशन, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास सम नंबर फर्स्ट, जो कि बड़ा ही सिंपल था, साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव था, साइन की पावर वन थी, तो पी तो अप्लाई नहीं हुआ है, फिर टी देखो टी अप्लाई हो रहा है, साइन का डेरिवेशन कोस हो गया, एंगल वैसे का वैसे ही आ गया, फिर एंगल का डेरिवेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, फाइव का जीरो हो जाएगा, छोड़ दो प्लस में जीरो छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन सेवन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एक्स रेस टू एन, ठीक है। तो ये 2x बन जाएगा, 2x को राइट करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई में, और ये cos और x square plus 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था सम नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 5.2। नेक्स्ट सेकंड सम देखें इसी एक्सरसाइज का, हाँ जी स्टूडेंट्स, सेकंड सम बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। जो इसका पहला वीडियो मैंने तैयार किया है उसे जरूर देखें आप लोग, क्योंकि पहला वीडियो देखने से आपको जो फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, साथ में राइट हैंड डेरिवेशन क्लियर होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन क्लियर होगा, साथ में ये भी क्लियर होगा कि अगर राइट हैंड डेरिवेशन और लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इक्वल है तो उस केस में डेरिवेशन के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर होंगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि डेरिवेशन से आप एक अटैचमेंट फील करोगे, आपको मालूम होगा कि डेरिवेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है अराइज कहां से हुआ है, ये सारी बातें वहीं से क्लियर होंगी। तो आप सीरीज वाइज वीडियो देखा करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाँ जी, क्या है हमारे पास, कोस ऑफ साइन एक्स, हाँ जी वही बात है, लेट वाई इक्वल टू वाई के इक्वल मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोसेस वही रहेगा हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कंपोजिट फंक्शन आ गया, एक तो कोस फंक्शन है, दूसरा साइन फंक्शन है, वही पी टी ए, पहले पावर का डेरिवेशन मल्टीप्लाई में टी रेशो का डेरिवेशन मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेशन, तो कोस की पावर तो वन है, मतलब ये पहला स्टेप नहीं आएगा, सेकंड टी रेशो यानी कोस का, इसका नहीं, ये तो एंगल है कोस का, ठीक है, कोस का डेरिवेशन फाइंड करेंगे, तो क्या राइट करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टी का डेरिवेशन कोस का डेरिवेशन, कोस का डेरिवेशन क्या होता है, कोस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो साइन एक्स ही है, ठीक है, तो कोस का माइनस साइन हो जाएगा, ये वाला चाहे साइन है, चाहे कोस है, चाहे टैन है, चाहे सीकेंट है, चाहे कोसिकेंट है, कुछ भी है वैसे का वैसे राइट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद एंगल, ठीक है, एंगल अपने पास क्या है, एंगल है साइन, तो साइन का डेरिवेशन आएगा इनटू में, ये भी कंप्लीट, ठीक है, तो माइनस साइन साइन एक्स, हाँ जी यहां पर क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेशन क्या होता है, साइन का डेरिवेशन होता है कोस एक्स, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सेटिंग से करेंगे राइट, तो माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, कोस यहां पर आ जाएगा, यहां माइनस कोस एक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान से राइट करना है, कई बार स्टूडेंट्स इस साइन को इस कोस से मल्टीप्लाई कर बैठते हैं ना, ठीक है, ये हमारे पास सिंगल टर्म अलग से है और ये अलग से, ठीक है, तो इसे आगे यहां पर राइट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड सम था, बिल्कुल सिंपल लग रहे होंगे, ठीक है।
बस थोड़ा सा ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, इसे पहले वाला वीडियो आप कंप्लीट वॉच करें ताकि आपकी एक अटैचमेंट आप फील करो डेरिवेटिव से, कि डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। यहां पर हम चेंज कर रहे हैं dy by dx, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, डिफरेंसेस इन y बाय डिफरेंसेस इन x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको वहां से क्लियर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने ये दोनों सम कंप्लीट करने हैं, ठीक है, और ये कुछ एक मैंने फार्मूले राइट किए हैं, ये कंप्लीट करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और फार्मूले साथ साथ आप लर्न भी करेंगे और साथ साथ ड्राइव भी करेंगे, ठीक है। कहीं से कोई प्रॉब्लम लगे तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस करेंगे, इनबॉक्स में अपना पॉजिटिव और नेगेटिव कॉमेंट जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।